अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लिंग्विस्टिक एंड लिटरेचर नोट्स। आज का हमारा टॉपिक है बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ बाय एमिली डिकिंसन। इस पोइम के अंदर टोटल 6 स्टैंजास हैं जिनको डिवाइड किया गया है इनटू सेट ऑफ 4 लाइंस नोन एज क्वाट्रेन। सेंट्रल मैसेज इसका डेथ है, ठीक है। डेथ इज फिल्ड विद अनसर्टेनिटी बट डजेंट हैव टू बी स्कैरी। सेंट्रल मैसेज इसका डेथ है कि डेथ जो है ना बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है, कभी भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है और इसके अंदर भी बहुत कुछ छुपा हुआ है, ठीक है। ये इतना स्केरी नहीं है जितना हम जो है ना इससे डरते हैं। थीम्स हमारे पास हैं डेथ है, इमोर्टैलिटी है और रिलीजन है। तो ये जो पोइम है बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, इस पोइम के अंदर एमिली डिकिंसन ने डेथ और इमोर्टैलिटी के बारे में हमें बताया है। काफ़ी ज़्यादा क्लोज लुक दिया है उसने हमें डेथ और इमोर्टैलिटी का, क्योंकि जब वो डेथ के पास जाती है तो क्या होता है ये वो बताते हैं इस पोएम में। शी यूजेस पर्सोनिफिकेशन टू पोइट्री डेथ एंड इमोर्टैलिटी एज कैरेक्टर्स। वो डेथ और इमोर्टैलिटी का पर्सोनिफिकेशन यूज़ करती है, वो उन्हें ऐसे बना देती है जैसे कि वो जिंदा जीते जागते इंसान हैं। हर फेमिलियरिटी विद देम एट द बिगनिंग ऑफ द पोएम कॉजेस द रीडर्स टू फील एट ईज विद द आइडिया ऑफ द डेथ। उसकी जो वो कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा फेमिलियर हूँ इनसे, जो डेथ है वह मेरा कंपेनियन है, इमोर्टैलिटी इस तरीके से, तो लोगों को लगता है कि ये बहुत ही आसान होगा, ठीक है, मतलब कि जो आइडिया ऑफ डेथ है। लेकिन जैसे जैसे वो इसको पढ़ते हैं पोएम प्रोग्रेस करता है और जो पोइट है उसके टोन में शिफ्ट आता है तो रीडर्स को लगता है कि ये ऐसा नहीं है जैसा वो समझ रहे थे, यानी डेथ ऐसा नहीं है जैसा वो समझ रहे थे, ये बहुत ज़्यादा क्रूअल है, ये बहुत ज़्यादा इवल है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट अगर हम देखें इस पोएम का तो हमें पता चलता है कि ये पब्लिश किया गया था 1863 में, ठीक है, और इसको लिखा गया था 1855 से 1863 के बीच में। इन ईयर्स में एमिली डिकिंसन बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, उन्होंने बहुत कुछ लिखा था, यानी उनके प्रोडक्टिव ईयर्स थे ये। इन अर्ली ईयर्स डिकिंसन सा मैनी पीपल क्लोज टू हर डाई इंक्लूडिंग हर कज़न। इस दौरान में जो है ना उसने बहुत सारे लोगों को देखा था मरते हुए, इसके अंदर उसका कज़न भी एक शामिल है। शी लिव नियर अ सिमेट्री एंड ऑफ्टन सा फनरल्स विच मेड डेथ अ फेमिलियर कॉन्सेप्ट टू हर। वो सिमेट्री के पास रहती थी, यानी आप कह सकते हैं कि कब्रिस्तान के पास रहती थी और हमेशा जो है ना लोगों के जनाजे वगैरह देखती थी, तो वो बहुत ज़्यादा फेमिलियर थी डेथ के कॉन्सेप्ट से। इस वजह से उसके पोइट्री के अंदर हमें डेथ का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा मिलता है। दिस एक्सपीरियंस लाइकली इंस्पायर द सेटिंग ऑफ द पोइम। इसी की वजह से हमारे पोइम की जो सेटिंग है, ठीक है, यानी हमारे पोइम का जो मेन थीम है वो डेथ है, डेथ के ऊपर ऐसे लिखा गया है। ड्यूरिंग टफ टाइम्स शी हर्ड अबाउट सल्वेशन पैराडाइज अटर्नल लाइफ फ्रॉम सर्मन्स। वो सर्मन्स भी अटेंड करती थी जिसके ज़रिए से उसने सल्वेशन पैराडाइज और अटर्नल लाइफ के बारे में सुना था और उसका यकीन बढ़ता जा रहा था। इसी वजह से वो चाहती थी कि वो मर जाए ताकि उसे पता चले कि ये चीज़ें असल में भी होती हैं या नहीं। द 1830s रिवाइवल मूवमेंट विच इन्फ्लुएंस मैनी ऑफ अ फैमिली एंड फ्रेंड्स ऑल्सो शेप्ड हर व्यूज ऑन डेथ एंड द आफ्टर लाइफ। ठीक है, अब क्या है जो 1830s का टाइम पीरियड है, रिवाइवल मूवमेंट है, उसके अंदर वो और उसकी जो फैमिली है वो रिलीजन की तरफ वापस आ गई थी और उनके जो व्यूज़ थे डेथ और आफ्टर लाइफ के बारे में वो भी बनने शुरू हो गए थे। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं समरी की तरफ। बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ के अंदर डिकिंसन ने डेथ को स्वीट और जेंटल कहा है, उसको वेलकम किया है, ठीक है। थिंकिंग इट लेड टू समथिंग बेटर, वो कहती है कि ये मुझे कहीं अच्छी जगह लेकर जाएगा। इन द फर्स्ट स्टैंजा शी बिगन्स हर जर्नी विद डेथ सीइंग हिम एज अ फ्रेंडली कंपेनियन। फर्स्ट स्टैंजा में जब वो जर्नी स्टार्ट करती है डेथ के साथ तो वो उसको फ्रेंडली कंपेनियन के तौर पे देखती है। जब वो खेतों से गुजरती है, जब वो स्कूल के चिल्ड्रंस को देखती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। शी फाइंड पीस इन द सनसेट सिंबलाइजिंग द एंड ऑफ अर लाइफ। जब वो सनसेट को देखती है तो उसे एक सुकून महसूस होता है कि उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो रही है। हाउ एवर एज द वार्मथ फेड्स एंड कोल्ड सेट्स इन, हर फाइनल रेस्टिंग प्लेस इज रिवील्ड नॉट एज हेवनली मेंशन बट एज अ सिंपल माउंड ऑफ अर्थ। जैसे ही उसे पता चलता है कि जहाँ मैं जा रही हूँ वो वैसी जगह नहीं है, क्योंकि उसे लगा था कि वो पैराडाइज में जा रही है, वो हेवन में जा रही है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो वहाँ नहीं जा रही। डेथ ने उसे एक ऐसी जगह पर लाकर खड़ा कर दिया है जहाँ पर उसे सर्दी महसूस हो रही है। क्यों? क्योंकि उसके जो जिस्म है उसके ऊपर कपड़े नहीं हैं, वो अपने फाइनल रेस्टिंग प्लेस पर आ चुकी है और वो कोई हेवनली मेंशन नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक कब्र है जो कि ज़मीन के अंदर है। डिकिंसन कंसीडर्ड द आइडिया ऑफ अ पैराडाइज, उसे ये लगा था कि वो पैराडाइज में जा रही है। तो उसने इस पोएम के अंदर हमें यही कहने की कोशिश किया कि मुझे लगा था कि डेथ जो है ना मुझे कहाँ लेकर जा रही है, डेथ के बाद मुझे पैराडाइज मिलेगा, यानी आइडिया ऑफ पैराडाइज को उसने कंसिडर किया है कि डेथ के बाद यही होता है।
बट अल्टीमेटली विजिट द ग्रेव एज अर फाइनल रेस्टिंग प्लेस। लेकिन आखिरकार उसे पता चल जाता है कि पैराडाइज वैराडाइज कुछ नहीं है, सबसे पहले हमारी जो रेस्टिंग प्लेस है वो ग्रेव ही है।